बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं चना की दाल, जो कि सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है, मुनफरिद अंदाज में, जो कि आप इसको पकाएं खाएं तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की जरूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्याज चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, सब्ज मिर्ची चाहिए, लहसुन चाहिए, टमाटर चाहिए, खुश्क धनिया चाहिए, खुश्क मेथी चाहिए, गरम मसाला मैंने पीस के रख लिया हुआ है, धनिया चाहिए, सब चना की दाल। जी तो नाज़रीन, चना की दाल हम बनाना शुरू करते हैं। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं पैन में आयल डालूंगी, जितना आपको चाहिए आप उतना डालिएगा, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, प्याज मैंने बारीक बारीक कटिंग की हुई इसकी, ठीक है, अनियन की, इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जी तो नाज़रीन, प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ऑयल में। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, सब्ज मिर्चें, कटी हुई लहसुन, इससे बहुत ही मजे का टेस्ट आता है, कटी हुई लहसुन से है। अक्सर हम दूसरी दाल बनाए, कोई भी दाल बनाए तो उसका बघार ले जाती है। तो नाज़रीन, मसाला हमारा लाइट ब्राउन हो गया। अब इसमें डालूंगी नमक मिर्च, हाफ टेबल स्पून हम डालेंगे हल्दी, हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, वन टेबल स्पून हम डालेंगे साल्ट, नमक, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। जी तो नाज़रीन, नमक मिर्च मसाले में मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है। अब हम डालेंगे खुश्क धनिया, खुश्क मेथी और गरम मसाला पिसा हुआ, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अब यकीन जाने कि आप होटलों से दाल लाना बंद कर देंगे, ठीक है। जी तो नाज़रीन, मसाला हमारे अच्छे से भुन गया। अब मैं इसमें डालती हूँ चने की दाल। अब हम इसे अच्छे तरीके से मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे, ठीक है। जी तो नाज़रीन, मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। आप इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर इसको डिश में निकाल देंगे। जी तो नाज़रीन, चना की दाल हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही चटपटी है। जरूर ट्राई कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।